इस वक्त हमारे साथ सिया बकबोर्ड के वकील असवनी जी हैं। सर, किस तरह के उम्मीद कर रहे हैं आज के फैसले को? हमें पूरा भरोसा है कि जो आज का फैसला है वो बहुत ऐतिहासिक फैसला होगा। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है, जो 500 साल से विवाद चल रहा था उसका समाधान हो जाएगा। हाईकोर्ट ने भी माना था कि वहाँ पर भगवान राम का मंदिर था पहले, ASI ने खुदाई में भी ये बात स्पष्ट हो गई थी, गवाहों के बयान में भी खुदाई स्पष्ट हो गई थी। ये भी बहुत स्पष्ट हो गया है कि वहाँ आदिकाल से पूजा होती आ रही है। ये भी बिल्कुल स्पष्ट है कि नमाज वहाँ पे बीच में कुछ दिनों के लिए पढ़ी गई, हमेशा नहीं पढ़ी गई। तो मुझे लगता है फैसला बिल्कुल स्पष्ट आएगा, क्लियर कट आएगा। लेकिन फैसला जो भी आए, सबको इसका मिलकर स्वागत करना चाहिए, इसलिए कि क्योंकि भगवान राम हिंदुओं के आराध्य हैं तो मुस्लिम्स के लिए वो इमाम हिंद हैं। इसलिए इसको मुझे लगता है कि अलग अलग बांटने की जरूरत नहीं है। फैसला जिसके भी पक्ष में आए, सबको मिलकर एक साथ इसका खुशी मनाना चाहिए। फैसला आने के बाद क्या तुरंत राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा कि यार इस पर कोई और कानूनी कार्रवाई होगी? मुझे लगता है और कोई कार्रवाई नहीं होगी, बस फैसला आएगा, उसके बाद अपना जिसके पक्ष में आएगा वो फ्री है अपना। वो मान लो रामलला विराजमान पक्ष में जाता तो लोग अपना मंदिर निर्माण शुरू करें। क्या इस फैसले को चुनौती भी दे सकते हैं कोई? नहीं, कोई चुनौती नहीं दे सकती। इस पर क्यूरिटी हो सकती है, रिव्यू हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है इतनी बड़ी सुनवाई के बाद अब 500 साल का विवाद खत्म होने जा रहा है तो दोबारा इस पर रिव्यू या क्यूरिटी नहीं करना चाहिए। सबको इसका स्वागत करना चाहिए, सबको इसका स्वागत करना चाहिए। ये थे सिया वक्फ के वकील अश्वनी कुमार जी। कैमरामैन अवधेश के साथ केशव कुमार झा, HS News, दिल्ली। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।